कछुए के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जब एक मादा कछुआ अंडे देने वाली होती है तो वो समुद्र किनारे आ जाती है और रेत में गड्ढा बनाकर उसमें अंडे दे देती है। आपको बता दें कि मादा कछुआ एक बार में करीब 80 से 100 अंडे देती है। अंडे देने के बाद मादा कछुआ उन्हें रेत से ढककर समुद्र में वापस चली जाती है, जो कि दोबारा कभी भी अपने अंडों को देखने के लिए वापस नहीं आती। फिर 60 से 70 दिन के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और इसके बाद ही शुरू होती है इनकी मुश्किलें, क्योंकि रेत के नीचे दबे होने के कारण 60% बच्चे रेत से बाहर नहीं आ पाते और वहीं दबकर मर जाते हैं। इसमें केवल 40% बच्चे बच पाते हैं और ये बचे हुए बच्चे समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं आसमान के खतरनाक शिकारी बाज और गिद्ध, जो कि इन कछुओं की धीमी चाल के कारण इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, जिसके बाद केवल 20% कछुए ही समुद्र तक पहुंच पाते हैं और जिंदा बच पाते हैं। वैसे क्या आपने कभी कछुए को छुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी है, जो कि कुछ खास तरह की एक्सपेंसिव चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके एक पेड़ की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए होती है। ऐसे में आप इसकी खेती करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल चंदन के एक पौधे की कीमत 35 से 40 रुपए तक होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने एक एकड़ जमीन पर चंदन के 500 पौधे भी लगाता है तो उसे शुरुआत में सिर्फ लगभग 20,000 रुपए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ 20,000 रुपए की नहीं, बल्कि ये है कि एक चंदन के पौधे को पेड़ बनने में 15 से 20 साल का समय लग जाता है। और शायद यही वजह है कि इंडिया में चंदन की खेती लीगल होने के बावजूद भी बहुत कम पैमाने पर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने 15 से 20 साल इन चंदन की खेती पर लगा देता है तो वो 15 से 20 सालों में सिर्फ एक एकड़ की जमीन पर 500 पेड़ लगाकर 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी लाल चंदन की खेती करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जंगल जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 1, कांगो फॉरेस्ट। दोस्तों, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है और इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल आकार में जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहां 5,000 तरह के स्तनधारी जीव और 1,000 तरह के खतरनाक पक्षी पाए जाते हैं। नंबर 2, अमेजन रेन फॉरेस्ट। लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा भी कहा जाता है। ये जंगल लाखों पक्षियों और खूबसूरत जानवरों का घर है। इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा यानी ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। नंबर 3, टैगा फॉरेस्ट। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। दोस्तों, ये जंगल 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बर्फ की सफेद चादर में ढका ये जंगल बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इस जंगल में चारों ओर फैला सन्नाटा और कड़ाके की सर्दी लोगों को यहाँ आने से रोक देती है। वैसे क्या आप कभी किसी जंगल में घूमने गए हैं? कमेंट करके जरूर बताना।